मुस्लिम समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह कार्यक्रम। लगभग 247 प्रतिभावान छात्रों को किया गया पुरस्कृत। कार्यक्रम की शुरुआत मुस्लिम धर्म के परंपरागत तरीके यानी कुरान शरीफ की तिलावत के साथ किया गया। तुम में से कुछ ऐसे लोग ही होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, वही लोग फला पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मायूसी कुफ्र है। अगर कुछ ऐसा सबका पेश आया कि मेहनत और मशक्क़त के बावजूद भी वे कामयाबी नहीं मिली जो तुम चाहते हो, तब अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जुमा, ऐ लोगों जो ईमान लाए वो सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुस्लिम समाज की सामाजिक संस्था इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का 10वां प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रविवार को उत्सव राजविलास में आयोजित किया गया। पिछले 10 वर्षों से संस्था बच्चों की हौसला अफजाई करती आ रही है और लगातार बच्चों को पुरस्कृत करके उनकी प्रतिभा को निखारती है। कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही रहता है कि इसे देखकर बच्चे और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं, और जिन बच्चों के अच्छे अंक नहीं आए वो बच्चे अगले साल और अच्छे अंक लाएं, जिससे वो भी सम्मानित किए जाएं। समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है और लगातार हर वर्ष बच्चों में और ज़्यादा उत्सुकता रहती है और अच्छे अंक पाने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम में LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के अच्छे अंक आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। इस बार लगभग 247 प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कक्षा 9 में 96.36% पाने वाले अरसिया अतीक सिद्दीकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। कक्षा 10वीं में 93.40% पाने वाले अदीना खान को प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं कक्षा 11वीं में 88.60% अंक लाने वाली फिजा अंसारी को मैक सॉफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वरहमी में 88% अंकों के साथ प्रथम आने वाली सबा फातिमा को अयाज मेमोरियल अवार्ड दिया गया और स्नातकोत्तर में 73.40% अंक पाने वाले समर खान को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम के बारे में सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्तियाक और सचिव रहीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमें बताया। इकरा का यह प्रयास काफ़ी दिनों से रहा है कि बच्चे जो मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, उनको एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिस पे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, उनका लोकपाल जान सके कि इस बच्चे ने क्या क्या हासिल किया है, कितनी मेहनत की है उसने, और उसको जो सम्मान एक उचित मिलना चाहिए उसके लिए ये मंच तैयार किया जाता है और ये प्रोग्राम किया जा रहा है इकरा की तरफ से। और हम लोग ये प्रोग्राम पिछले 10 सालों से चल रहा है, इसी प्रकार आगे भी चलता रहे, बच्चे इसी प्रकार पढ़े और ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा अच्छे नंबर्स लाएं और एक मेरिट पे अपना मुकाम हासिल करें। और इकरा इस प्रयास में काफ़ी कुछ कामयाब भी रही है। पहले बच्चों की संख्या 70-75 हुआ करती थी इस प्रोग्राम में, आज की डेट में 200-250 बच्चे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि बच्चों के परसेंटेज लाने की तादाद बढ़ी है। मुस्लिम समाज जो इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उसका 10वां प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, हमने 2009 में ये कार्यक्रम शुरू किया। केवल 30 बच्चे प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, आज
हमारे बच्चों ने शैक्षणिक गतिविधियों में तरक्की करी है, उसका परिणाम है कि आज हम 247 बच्चे जो LKG से अच्छे नंबरों से पहले 96% तक पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में मार्किंग आ रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीतियों का हमारे समाज में फायदा हो रहा है। केंद्र शासन की जो नीति है उनके मंत्रालय की जो शैक्षणिक गतिविधियों के विकास और विस्तार के लिए जो योजना है उनका लाभ हमारे समाज में मिलने लगा है और शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इसका परिणाम यह है कि हमारे बच्चे भी ग्रेजुएशन में मेरिट लिस्टों में आ रहे हैं और अच्छी तरक्की कर रहे हैं। जहाँ है वो उससे ऊंचे ही उसका सकता जाना है। मोहम्मद